हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है, इसके बीच में अपने देखने वाले हैं कंजंक्शंस, ठीक है। या अपने ये कह सकते हैं कि अपने को सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसके बीच में अपने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, जो भी आपके कंपाउंड सेंटेंसेज है उन, ठीक है। तो आपको ये आसानी से पता लग जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कौन से होते हैं, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंसेस की ट्रिक, पेन बॉयज, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये ट्रिक देखने को मिलेगी। पेन बॉयज की जो ट्रिक है, इसके बीच में वो कहना क्या चाहता है वो मैं आपको बताता हूँ। पेन बॉयज की ट्रिक में ये कहना चाहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे और, ए से एंड, एन से नोर या नीदर, ठीक है। इसके अलावा ओ से और, डी से बट, ठीक है। इसके अलावा वाई से येट, एस से स्टिल, ओ से अदरवाइज। तो ये जितने भी वर्ड मैंने आपके सामने बोले हैं, एक हाउ वर्ड भी लिख ले, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने बोले हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने को किसके बारे में बताते हैं, ये अपने को बताते हैं सारे कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में कि कौन से कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। और बाय चांस मान लो कि आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए कंपाउंड सेंटेंसेस इनमें से कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंसेज हैं जिनके लास्ट में, जिनके बीच में या स्टार्टिंग के अंदर या एंडिंग में या बीच में कहीं भी ये सारे के सारे वर्ड्स अगर रिपीट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनको याद रखने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको ज्यादातर डब्ल्यू एच वर्ड ही देखने को मिलेगा, क्लियर। जैसे ये देखो, वेदर, इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस दोनों में यूज किया जाता है। तो अपने ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी एक नाउन क्लोज के साथ, वो कैसे बनते हैं। जैसे देखो, इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस दैट शुड बी नोन टू एवरीबडी, ठीक है। मान लो कि अपना जो लाइन है ये अपनी क्या है, सिंपल सेंटेंस दे दी, दो सेंटेंसेस दे दी और बीच में डॉट दे दिया, तो अपने इसको मान लिया कि ये सिंपल सेंटेंस। अब अपने इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, मतलब कि इनको जोड़ना है। तो दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस शुड बी नोन टू एवरीबडी, यहाँ पे ये दैट जो वर्ड है इसका हमने ये कह दिया कि ये जो हमारा इंडिया है उसमें इन्होंने क्या किया कि डैट शुड को यहाँ पे, डैट शुड को यहाँ पे इंडिया के साथ रिलेट करा के और ये पूरी लाइन बना दी। ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आ जाता है क्योंकि जोड़ दिया। अब अपना एक और तरीका देखते हैं, जैसे ही सैड समथिंग इट इज ट्रू, यहाँ पे दो सेंटेंसेज है। अब इसको ये जोड़ना चाहता है तो ये किससे जोड़ रहा है, वर्ड से, बट ही सैड इज ट्रू, मतलब उसने क्या कहा जो सच है। उसके बाद में जैसे ही हैड फेल्ड आई टोल्ड हिम दैट, कि वह फेल हो चुका होगा, आई टोल्ड हिम दैट, जैसे कि मैंने उसे कहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड फेल्ड, तो यहाँ पे क्या है, दैट से इसने जोड़ दिया, तो दैट लिखा नहीं होगा, ठीक है, आई टोल्ड हिम। उसके बाद में जैसे अगला, आई नो इट इज, आई नो इट ही इज योर फ्रेंड, आई नो दैट ही इज योर फ्रेंड, यहाँ पे दैट से जोड़ दिया, तो ये दैट भी किस में आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आ जाएगा। सेंटेंसेस के तीन टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की पहचान के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूंगा। एक तो होता है बींग से अगर स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, बींग से स्टार्टिंग हो रही है, बी ई आई एन जी, बींग से स्टार्टिंग हो, या फिर कोई भी एक जीरंड फॉर्म से स्टार्टिंग हो रही हो, मतलब आई एन जी की फॉर्म से स्टार्टिंग हो रही हो, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो क्या है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। या फिर कोमा लगाओ, इंस्पाइट ऑफ लगाओ, डिस्पाइट ऑफ लगाओ, ठीक है, ये सारे वर्ड अपने को सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि जैसे अपने एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, नाउन क्लॉज क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है, और एडजेक्टिव क्लॉज जो उस नाउन की विशेषता के बारे में बताता है। जैसे द बॉय वाज कैच, एक बॉय को पकड़ा गया, उसने क्या किया था, तो उसने वॉच को चुराया था। तो अपने इसकी लाइन क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, द बॉय हु हैड स्टोलन द वॉच वाज कैच, ठीक है,
यहाँ पे ये बॉय जो है इसके बारे में बता रहा है कि इसने क्या किया है, चोरी किया है, विशेषता बता दी। द मैन अराइव्ड ऑन फ्राइडे, कि एक मैन फ्राइडे को अराइव्ड हो चुका है, ठीक है। हिज नेम इज शंकर, तो उसका नाम क्या शंकर है, तो द मैन हुज नेम इज शंकर, कि एक आदमी जिसका नाम क्या शंकर है वो अराइव्ड हो चुका है, कब, फ्राइडे को पहुंच चुका है, ठीक है। ऐसे क्या अपने को जो सेंटेंसेस दिए होंगे उसके बीच में ऐसे वर्ड दिए होंगे जैसे दिस इज एन ओल्ड फोर्ट दैट वॉज बिल्ट बाय अकबर, और ये पूछेगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये बताओ। या फिर वो ये भी दे सकता है कि आपको इस तरह से एक नॉर्मल लाइन दे दे, ठीक है, और ये पूछेगी आपसे कि आपने इसको क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको बताना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में WH वर्ड, हाउ और दैट वर्ड का यूज किया जाता है, जिससे क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं, क्लियर। उसके बाद में जैसे और देखें तो जैसे ये देखो, आई वेंट देयर द डोर वॉज लॉक्ड। अब देखो आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था द डोर वॉज लॉक्ड, डोर क्या था, बंद था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था द डोर वॉज लॉक्ड, क्या क्या, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, द डोर वॉज लॉक्ड, लॉक्ड था, व्हेन आई वेंट, जब मैं गया था, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन क्या है, कंजंक्शन काम में किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो क्या है, टाइम के बारे में बता रहा है अपने को। देयर वॉज लिटिल रेन दिस ईयर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, कि इस साल जो बारिश है वो बहुत ही कम हुई थी, द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, तो क्रॉप्स जो है वो क्या है, ड्राई रह चुके हैं, सूखी रह चुके हैं। एज देयर वॉज, एज जो वर्ड है ये भी क्या है, एक तरह का कंजंक्शन है, एज देयर वॉज द लिटिल रेन दिस ईयर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप। एज का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एज जो है वो दोनों लाइनों के बारे में एक दूसरे पे निर्भरता दिखा रहा है, कि जैसा कि आपको पता ही है कि इस साल बारिश कम हुई है तो जो भी फसलें हैं वो सूखी रहेगी। ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना जो रिग्रेट है अपने कह सकते जो भी उसे हुआ है वो उसने एक्सप्रेस किया, वी विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, हम सब उसे भूल चुके हैं। तो सिंस ही हैज, मतलब कि जब उसने क्या किया, इसका मतलब भी जब के रूप में होते हैं, तो जैसे ही उसने क्या अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया और हम सब क्या है उसे भूल गए। उसके बाद में जैसे और वर्ड्स अगर आपने देखे, दी यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो कि मेन क्लोज के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। कंजक्शन के अंदर दो टाइप्स बन जाते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और होता है नॉर्मल जो लाइन होती है मेन क्लोज की। अब देखो सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, रमन हैज पास्ड आई नो इट, कि ये अब सिंपल सेंटेंस बन गया, रमन हैज पास्ड, रमन पास हो चुका है, आई नो इट, मैं जानता हूँ, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि रमन हैज पास्ड, कि रमन पास हो चुका है, तो ये कौन, ठीक है। इसी तरह से देखो दैट यू आर ड्रंक एज टू योर ट्रबल्स, मतलब कि तुमने अगर ड्रंक की हुई है, ड्रिंक की हुई है तो तुम्हें परेशानी होगी। वी ईट टू लिव, कि हम खाने के, खाने से जीते हैं, या कैसे भी कह सकते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, अगर हम खाएंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे। ही रेन क्विकली, वह तेजी से दौड़ा, ही ओवरटुक, और उसने मुझे, ही सून ओवरटुक मी, और वह मेरे तक पहुंच गया, ये कह सकते हैं। ही रेन सो क्विकली, दैट, दैट वर्ड का यूज हो गया, तो यहाँ पे दैट क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है कि आपको लाइन के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कि मैंने आपको जो प्रोनाउन वाली क्लास है उसमें भी समझाया था, दैट जो है वो पहले वर्ड का बाद वाली बात से अपने को कंडीशन बता देता है कि इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। जैसे मैंगो के बारे में बता रहा है, मैंगो बहुत ज़्यादा स्वीट है, जो तुमने, ये जो डॉग है ये बहुत ज़्यादा क्या है, पागल है, मेरे भाई की तरह, ठीक है। ये जो लड़का है इसे तुमने कल देखा था, ये मेरा क्या है, सन है। तो ये दोनों बातें क्या है, सेम सेम हो जाती हैं। वेयर, वेयर एवर और वेंस का यूज़ कब किया जाता है, जब अपने स्थान का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं उसके जन्म के प्लेस को जानता हूँ, तो आई नो द प्लेस, कि मैं वह प्लेस को जानता हूँ जहाँ इसका जन्म हुआ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बना दिया। यू कैन सिट एट द प्लेस ऑफ योर लाइकिंग, यू कैन सिट, वेयर एवर, यू कैन सिट मतलब तुम बैठ सकते हो, वेयर एवर जहाँ भी तुम बैठना चाहते हो, लाइन को शॉर्ट में कर दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल बनाना, सिंपल का मतलब होता है साधारण रखना।
ऐसी देखो जैसे व्हेन, वेयर एवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, टिल, एज सून एज, तो ये समय का बोध कराने के लिए जिन वर्ड का यूज किया जाता है वो ये सारे वर्ड्स हैं। आपको ये बताना चाहिए कि समय को बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और स्थान को बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। स्थान को बताने के लिए वेयर, संबंध बताने के लिए दैट, और समय का बोध कराने के लिए व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, टिल, एज सून एज, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, समय का बोध कराने के लिए। उसके बाद में अगर अपने देखें और तो कभी भी अपने को कारण बताना होता है तो अपने बिकॉज से बताते हैं, सिंस से बताते हैं, सो एज दैट से बताते हैं। उसके बाद में ऐसे थो, ऑल्दो और इवन इफ, तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अपने अनुमोदन करना होता है कि वह बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है लेकिन वह क्या है, पुअर भी है। बुक इज अ बुक, एक बुक बुक तभी होती है जब उसके बीच में कुछ ना हो, देयर इज नथिंग इन इट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, अगर वह गरीब है तो वो बहुत ज्यादा क्या है, ऑनेस्ट भी है। तो कारण भी बता रहा है। और कुछ होते हैं शर्त वाले जिसमें इफ, अनलेस और वेदर का यूज किया जाता है, कभी भी अपने शर्त को दिखाना होता है तो। और कभी कभी संबंधवाचक जो सर्वनाम है, जैसे कि अपनों ने पढ़ा हुआ है प्रोनाउन के अंदर कि अपने रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़ते हैं जिसमें हु, हुम, हुज का यूज किया जाता है, वो सारे के सारे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। हु का यूज किस लिए किया जाता है, हु का यूज अपने यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मानव का कह सकते हैं, इंसान का कह सकते हैं। ठीक है, हुज का यूज किस लिए किया जाता है, हुज का यूज यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं के लिए या अपने कह सकते हैं जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। और हुम का यूज किस लिए किया जाता है, इंसान और उसकी कोई चीज के लिए या इंसान के लिए भी हुम का यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुम वर्ड का देख सकते हो आप, द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, मतलब कि वह लड़का और मेरा, इन दोनों की बात कर रहा है। विच का यूज जानवरों के लिए किया जाता है, ये आपको पता ही है, वस्तु और जानवरों के लिए विच का यूज किया जाता है। वाई का यूज क्यों किया जाता है, जब अपने को कारण बताना होता है। ठीक है।